अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज हम बनाने वाले हैं हैदराबादी मिक्स वेजिटेबल्स की रेसिपी, जो कि बहुत ही डिलीशियस और क्रीमी बनने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी के साथ। सबसे पहले आपको 2 टेबलस्पून ऑयल लेना है, उसको गर्म करना है और उसमें 2 मीडियम साइज स्लाइस्ड ऑनियन ऐड करना है। जैसे ही हमारी प्याज ट्रांसलूसेंट हो जाएगी, हम उसमें ऐड करेंगे अराउंड 20 ग्राम काजू, 1.5 इंच कटी हुई अदरक, 4 से 5 लहसुन की कलियां और 3 कटी हुई हरी मिर्चें। इन सबको ऑयल में थोड़ी देर सौटे करेंगे। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 रफली कटे हुए मीडियम साइज़ के टमाटर। टमाटर को सॉफ्ट होने तक हम पकाएंगे। टमाटरों को जल्दी सॉफ्ट करने के लिए इसमें हम इस पॉइंट पे ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक। नमक ऐड करने से टमाटर जल्दी पकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप पालक और 1 कप कटी हुई हरी धनिया। पालक और हरी धनिया को ज़्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ 1 या 2 मिनट के लिए ही इसको थोड़ा सा मिक्स करना है सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ। इस मिक्सचर को थोड़ी देर हम ठंडा कर लेंगे और फिर जार में डाल के इसका एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। और अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। सेम पैन में मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल गरम कर लिया था और उसमें ऐड कर लिया था 4 लौंग, 1 बड़ी इलायची, 4 छोटी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 1 छोटा बे लीव्स। जैसे खरे मसालों का अरोमा तेल में आ जाएगा तो हम इन खरे मसालों को तेल से निकाल देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे वेजिटेबल्स, कटी हुई वेजिटेबल्स। आप अपनी पसंद की कोई भी वेजिटेबल्स ले सकते हैं। बीन्स, गाजर और मटर को टाइम लगता है पकने के लिए, तो 3 से 4 मिनट तक अच्छे से इसको फ्राई करना पड़ेगा। अब हम ऐड करेंगे इसमें 1 कप गोभी। गोभी को हमेशा गर्म पानी से बॉईल करके वॉश करना बहुत ज़रूरी है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप कटी हुई शिमला मिर्च। सारे वेजेस को अच्छे से हम भून लेंगे ऑयल में। 2 से 3 मिनट बाद हम इसमें ऐड करेंगे 200 ग्राम्स पनीर। पनीर को ऐड करके वेजिटेबल्स के साथ अच्छे से मिक्स करना है। इस पॉइंट पे जो मसालों को हमने पीस कर रखा था वो पेस्ट हम अब ऐड करेंगे। वेजिटेबल्स के साथ मिक्स करेंगे अच्छे से मिक्स करके, और इसमें अगर जार में थोड़ा बहुत मसाला अगर बच गया होगा तो उसमें थोड़ा पानी डाल के आप भी इस तरह से यूज़ कर लें। हमारे वेजीज मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं और अब हम उसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी और 1 टेबलस्पून कोरिएंडर पाउडर, 1/2 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। और सारे पाउडर्ड मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब इस पॉइंट पे हमें ये देखना है कि हमारे वेजीज कम्प्लीटली पके हुए हैं या नहीं, क्योंकि इसकी थिकनेस के हिसाब से हमको पानी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और यहाँ पे मैंने लिया है तकरीबन 1.5 कप पानी, ताकि हमारी वेजिटेबल्स अच्छे से गल जाए। तो इसको हम ढक के पकाएंगे एटलीस्ट 10 to 12 मिनट्स तक। अब हमने चेक कर लिया था कि हमारी सारी वेजीज गल चुकी हैं, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर, 2 टेबलस्पून कसूरी मेथी। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून थिक क्रीम। क्रीम ऑप्शनल है, आप चाहो तो यूज कर सकते हैं या फिर स्किप भी कर सकते हैं। क्रीम को ऐड करने के बाद हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, और मिक्स करने के बाद हम इसको
दो मिनट तक लो फ्लेम पर रखेंगे और फिर ये रेडी हो जाएगा सर्व करने के लिए। तो लीजिए हमारी हैदराबादी मिक्स वेजिटेबल की डिलीशियस क्रीमी रेसिपी बनके बिल्कुल तैयार है। इसको आप सर्व कर सकते हैं घी राइस के साथ, रोटी, नान या पराठा किसी के भी साथ। इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही लाजवाब होगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और दुआ में याद रखें। फिर मिलते हैं अगली नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मेरी इस रेसिपी को ट्राई करें और एंजॉय करें।